Hey guys, welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing well. I'm just checking if this mic is working or not because last week जब मैं इसको लगाने की कोशिश कर रहा था तो ये जो सेल बैटरी था उसका मुझसे कहीं मिसप्लेस हो गया था, तो मैंने ये वाली अमेजोन से ऑर्डर की है और मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ इफ इट इज़ वर्किंग. ऑलराइट, सो अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो ये वाला इससे पहले वाला जो पोर्शन है उसको देखना ना भूलो, क्योंकि आज मैं जो इनकम्प्लीट जो पोर्शन है उस चीज़ को मैं कंप्लीट करने वाला यहाँ पे. सो आई हैव दिस प्रोडक्ट विच वॉज ऑर्डर फ्रॉम दी अमेजोन. पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि ये मैंने केस मंगवाया था मेरे गोबरों की, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. सो बहुत सारे इसको भी रिव्यू चेक करने के बाद मुझे ये वाला प्रोडक्ट मिला है. एकदम लाइट वेट है, ऐसा कुछ ज़्यादा वेट नहीं लग रहा है. देखो ये वाली जो है उलांजी की केस है, अच्छी है, मतलब फिलहाल लाइट वेट दिख रहा है. तो इसको मैं फटफट ओपन कर लेता हूँ. इसके अंदर देखो तो ये तो केस है एंड देन इसके अंदर कुछ नहीं है. था There is some card. इसमें कुछ उलान जी के जो है स्टिकर्स है. These are the two stickers that I have got in this product. ये मैं कहीं ना कहीं इसको यूज कर लूँ, खास नहीं है. सो या फाइनली दिस इज द केस. आई होप रिकॉर्डिंग हो रहा है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैमरा के लेंस की तरफ देखूँ ना कि मैं स्क्रीन की तरफ देखूँ. अभी मैं नहा के बैठा हूँ तो उसकी वजह से मेरी आंखें जो है बहुत ज़्यादा लाल हो गई, बहुत सारा पानी गया आंखों में और वो जल रहा है अभी भी. सो दिस इज द केस. काफ़ी बड़ा लग रहा है ये वाला लेंस का जो पोर्शन है. आई थिंक इट्स रिमूवेबल, पता नहीं. लाइट वेट है, ऑब्वियसली प्लास्टिक है तो वो रीज़न हो सकता है ये लाइट वेट है. एंड दिस इज द थिंग विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि इसमें जो है वो अडेप्टर लगने वाला है. अडेप्टर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो मेरा अडेप्टर का अलग से वीडियो मैंने बनाया, उसको देख लो कि उसमें वो अडेप्टर कैसे लगता है, वो कहाँ लगता है. वो आज मैं फिर से वो दिखा दूंगा कि मैं सारा पूरा सेटअप इसको कर दूंगा. सो या सो दिस इज द केस. इसको कुशो शू माउंट कोल्ड शो माउंट बोलते ये वाला एक है यहाँ पे. और उसको ओपन करने के लिए मैं बस चेक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जितना भी देखा था सब यूट्यूब पे देख के मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ है. अभी मुझे कोई आइडिया नहीं कि कैसे खुलने वाला है. सो लेट्स सी. यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है तो उसको मैं सुपर. सो ये जो एरो है उसको उसकी टूवर्ड्स जो एरो दिया उसको प्रेस करो और ये वाला जो स्क्रीन है ये वाला दूसरे हाथ से उसको खींच लो. तो मैं दिखा देता हूँ. मैं ये साइड बाय साइड इसको दबा रहा हूँ और उसको खींच रहा हूँ. सो ये इस तरह से बाहर आएगा. सो दिस इज हाउ दिस कम्स आउट. उसके अंदर जो है ये लेंस का प्रोटेक्टर है, लेंस प्रोटेक्टर जो अभी भी तुम्हारा कैमरा यूज नहीं होने वाला है. सो यहाँ पे वो लगेगा. तो इसको मैंने आप लोगों को बता दिया ये वाला कैसे निकालना है. अभी मैं बताता हूँ कि ये वाला भी रिमूव कर सकते हो आप लोग, ये वाला पोर्शन. सो मैं थोड़ी देर पहले वही कोशिश किया क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था. एक तो ये प्लास्टिक का बना हुआ है और थोड़ा आराम से करना पड़ेगा. तो मैं थोड़ा डर रहा था कि कहीं से भी कोई क्लिप नहीं नज़र आ रहा था कि इसको निकालना कैसे है, क्योंकि ये अगर यहाँ पर बिठाऊँ तो ये बैठेगा नहीं बिकॉज इसका एक कॉर्नर जो है यहाँ पे कॉर्नर में एक अलग सा पोर्शन जो है ये इसमें फिट नहीं हो रहा है. दैट मीन्स ये निकल के फिर ही वो बैठेगा. सो मैं ये कोशिश कर रहा था तो मुझे अभी पता चला कि यहाँ पे आई होप दिख रहा है ये वाला जो क्लिप है ना. सो सिर्फ उसको उठा के निकालना है. ठीक है, बस वैसे निकालो और वो निकल जाएगा. देन दिस इज हाउ योर केस लुक लाइक. उसके बाद तुम लोग ये वाला पोर्शन उस पर बिठा सकते हो. दिस इज हाउ इट लुक्स. लेंस प्रोटेक्टर बैठेगा तो ये फिर ऐसा दिखेगा. ओके, सो अभी मैं फटफट क्या करता हूँ,
निकालने के लिए सेम वे यहाँ पे एक क्लिप रहेगी, उसको उखाड़ दो, थोड़ा सा प्रेस करके खींचो तो वो निकल जाएगा, बट आराम से करो। प्लास्टिक है, बहुत लाइट वेट है, तो मुझे बस आते ही पहले दिन उसको तोड़ना नहीं है, एटलीस्ट चले, क्योंकि इसी के भरोसे अभी जो आगे राइड होगा, एडाप्टर लगेगा, माइक लगेगा, उसी इसी के भरोसे लगने वाला है। ऑलराइट, सो मैं अभी फटफट इसके अंदर तुम्हें गोप्रो बिठा के दिखाता हूँ और साथ ही में साथ उसमें एडाप्टर भी लगा देता हूँ, तो समझ में आ जाएगा। लेंस की साइड की तरफ इसको, ये साइड में लेंस है तो इसको आराम से ऐसे ड्रॉप कर दो अंदर। आई होप ऐसा ही डालना है। ओके, तो बस उसके अंदर उसको अंदर प्लेस कर दो, उसको साइड में पहले निकाल दो। केस में बिठाने से पहले ये वाला पोर्शन जो होता है बैटरी का कवर, उसको तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए सिर्फ तुम्हें निकालना पड़ेगा। सो पहले पता नहीं चलेगा कि ये रिमूवेबल है, लेकिन हाँ ये रिमूवेबल है। थोड़ा सा आराम से पकड़ के निकालो, क्योंकि यहाँ पे जो क्लिप है थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि वो निकलेगा नहीं, लेकिन वो निकल जाएगा और आराम से निकल जाएगा। सो इसको रखना पड़ेगा और इसको संभाल के रखो। मुझे नहीं आइडिया कि ये अलग से मिलता है कि नहीं मिलता अगर खोने के बाद। सो इसको मैं रखता हूँ साइड में, एंड देन यहाँ पे कुछ इस तरह से मैं इसको, लेंस इस तरह है तो मैं यहाँ से इसको अंदर डाल दिया, कुछ इस तरह दिखेगा यहाँ से, और यहाँ से कुछ इस तरह। तो इसको अंदर अच्छे से प्लेस कर दो, अंदर अच्छे से इसको प्लेस करने के बाद ये वाला पोर्शन दबा के प्रेस कर दो, वो बैठ जाएगा, एंड देन इट्स रेडी। तो इस तरह से उसको अंदर स्लाइड कर दो, वो बैठ जाएगा, तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो अभी यहाँ पे अगर तुम्हें अलग से माइक लगाना है तो तुम लगा सकते हो, मैं तो यहाँ पे कोई लगाने वाला, क्योंकि तुम जब व्लॉगिंग करोगे ऐसे पकड़ के तो यहाँ पे एक माइक लगेगा और ऑब्वियसली यहाँ पे ट्राईपॉड होगा। तो अगर तुम्हें नॉर्मल व्लॉगिंग करना है तो इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ पे वो माइक के लिए जगह है, एंड देन ये वाला अलग से पोर्शन स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन के लिए है, एंड देन यहाँ पे एक जो पोर्शन है वो केबल के लिए है, जो एडाप्टर से निकलेगी वो केबल यहाँ पे जाएगी, तो मैं वो दिखा देता हूँ अभी। सो ये मेरा एडाप्टर है, सो ये मेरा एडाप्टर है, सो इसको मैं डालता हूँ। हमेशा से ये साइड से डालो, ये वाला बड़ा पोर्शन है, ये छोटा पोर्शन है, तो वायर टूवर्ड्स वो साइड डालो, वो निकल जाएगा वो साइड में, और ये तुम्हारा जो एडाप्टर है वो कुछ इस तरह से फिट हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो आई होप अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे भी कुछ ठीक से आइडिया नहीं है कि ये कैसे हो रहा है, बस आई एम डूइंग इट। ओके, तो ये वाला पोर्शन जो है वो तुम्हारा केबल मोड़ के थोड़ा सा फोल्ड करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये कुछ इस तरह से यहाँ केबल लग जाएगी, ये इस तरह से ये केबल यहाँ पे लग गए, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एडाप्टर का केस के साथ और गोप्रो के साथ माउंटिंग। अभी बचता है मेरा माइक्रोफोन वाला वायर चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से एक माइक ऑर्डर किया हुआ है, तो वो दिखा देता हूँ। सो ये एक माइक है जो हेलमेट में लगेगा, तो मैं इसको कुछ फटाफट निकाल देता हूँ। इतना सा माइक है और इसके लिए इतनी बड़ी वाली पैकिंग करके दी थी। ओके, सो इसके अंदर माइक है और ये बिल है जो मैं डालू कचरे में, ये डालू कचरे में। ओके, सो ये है माउनो व्हाटएवर, ये वाला मैंने माइक्रोफोन खरीदा है और रिव्यू देखा, ठीक ठाक लगे तो मैंने खरीद लिया। तो मैं फटफट खोलता हूँ, इट लुक्स, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। छोटा सा है, अच्छा है, और मुझे जितना हेलमेट में बैठना चाहिए उतना बस है, तो मैं इसको बिठा सकता हूँ। सो इसके अलावा तो फटफट मैं उसको रखता हूँ साइड में और मैं हेलमेट को इसको लगा देता हूँ।
सो दिस इज हाउ इट लुक्स. ओके, सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पोर्शन थोड़ा सा अंदर से क्लियर कर दिया. आई होप यू कैन सी दिस. और मैंने इसके अंदर ये वाले पोर्शन में ना ईयरफोन को थोड़ा सा माइक जो है जितना भी एक्स्ट्रा वायर था उसको अंदर छुपा दिया, और एक पोर्शन निकाल के मैंने ये साइड में लगा दिया, और जो दूसरा माइक है मैंने यहाँ पे निकाला है. सी दिस, तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया ताकि जब मैं हेलमेट पहनूँ तो मैं आपको दिखा देता. अभी फिलहाल इतना फिट और कुछ ठीक से हुआ नहीं, क्योंकि वायर अभी भी दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो अंदर का पैडिंग है वो निकल नहीं रहा, तो मैंने बस आपको दिखाने के लिए दिखा दिया. तो अभी जब हेलमेट आएगा नया वाला उसको निकाल के फिर अच्छे से उसके अंदर पैडिंग कर दूंगा. तो दिख रहा है. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. आई नो ये वायर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हेलमेट थोड़ा अभी भी ठीक नहीं है, हेलमेट अभी भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा टाइम जाएगा. बट जो भी है इतना तो पोर्शन जो है वो प्रॉपर ऐसा ही होगा. सिर्फ वायर जो है अंदर का जो माइक में जाने वाला माइक है उसका वायर अलग से प्रॉपर सेट हो जाएगा हेलमेट के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो प्रॉपर ये जो है वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ हेलमेट बदल देगा. ऑल राइट गाइस, सो यही मुझे था जो मुझे राइड के पहले जो रेडी रखना था, और तुम लोगों को भी बताना था कि दिस इज हाउ इट गेट्स माउंटेड ऑन हेलमेट. बहुत सारे रिव्यू देखा था, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखने के बाद बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा ना कि एमसील लगा कि इसको ना चिपका देते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा. सो मैंने सोचा कि ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि इससे मेरा ना ये हेलमेट ख़राब होने वाला, ना कोई गोबरों को कोई प्रॉब्लम होने वाली. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ. और ये मेरा फाइनल जो है, यहाँ से मैंने जो ऊपर का कोल शू माउंट था तो मैंने निकाल दिया, इसको भी तुम निकाल सकते हो. मैंने निकाल, अच्छा लगे अगर ये सेटअप अच्छा लगे, अगर तुमको भी ये करना है तो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन रादर देन यूजिंग दैट एमसील वाला थिंग. दैट इट्स नॉट बैड एक्चुअली, बट थोड़ा सा लगता है ना कि कोई अपने को अपना हेलमेट अगर नया हो तो उसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ चीज़ें करना थोड़ा सा अजीब लगता है. सो दैट इज द रीजन आई एम सजेस्टिंग दिस ऑप्शन इज गुड. बाकी आप लोगों के ऊपर है आपको कौन सा चाहिए और आप लोग कैसा माउंट करना है. और एक्साइटेड हो अगर आपको भी वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड टिल देन सी यू, बाय बाय.